एमए हम लोग कांडी से एगो सुदर्शन बनाएंगे। एकरे खातिर एगो लंबी और एगो छोटी डंडी लगी। अब लकड़ी का दोनों छोर एक दूसरा से अच्छा से बांध लें। ध्यान दें कि दोनों लकड़ी के बीच का कोण 90 डिग्री से तनी कम होके के काफ़ी अच्छा से टाइट बांध लें। अच्छा से बंधले के बाद धागा का बचल भइल हिस्सा ठीक से काट लें। अभी तैयार भइले के बाद एगो रबर का टुकड़ा ले लें। आपका पुरान इरेजर या रबर भी चली, ओकरे अंदर कैंची से एगो खड्डा बना के अपन बांधल भइल कांडी का लंबा हिस्सा ओकरे अंदर डाल दें। तनी सा ताकत लगा के अगर अंदर घुसाइन जाए तो ये काफ़ी अच्छा से अटक भी जाए ओकरे अंदर, ऐसे बांधे का जरूरत भी ना पड़ी। अब अपन अगली उंगली पे लगा के एक लंबा डंडी के दिशा में घुमाएं। आप देख सकें जा कि ये तो सुदर्शन चक्र के जैसे घूमत हवे गोल गोल।